हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम फिर जो कंटिन्यू करते हैं डायमेंशन ज्योमेट्री का टॉपिक पैराबोला। पैराबोला से पहले एक होता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या है? कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन के अंदर हम स्टडी करते हैं। कोनिक सेक्शन आर देयर फोर कर्व, दैट इज फर्स्ट इज सर्कल, सेकेंड इज पैराबोला, थर्ड इज एक्लिप्स, इलिप्स, इलिप्स, फोर्थ इज हाइपरबोला, फोर्थ इज हाइपरबोला। ये चार स्टडी करते हैं हम इसको। ये चारों दैट इज कॉल्ड द कोनिक सेक्शन। इट इज फॉर्म टू द डबल राइट सर्कुलर कोन। इट इज इंटरसेक्ट टू द राइट राइट डबल सर्कुलर कोन। ये फॉर्म बनते हैं, ये किस तरह राइट डबल सर्कुलर कोन से। तो अब इस पे स्टडी करते हैं पैराबोला। व्हाट इज ए पैराबोला? व्हाट इज ए पैराबोला? पैराबोला देखो, जैसे एक ये है, ये सर्कुलर कोन है, ये डबल राइट सर्कुलर कोन, डबल राइट सर्कुलर कोन, दैट इज फर्स्ट इज डबल राइट सर्कुलर कोन है। जैसे ये इज द राइट डबल सर्कुलर कोन एंड इट इज कॉल्ड टू द एक्सल। इट इज लाइन कॉल्ड टू द एक्सिस। इट इज कॉल्ड टू द एक्सल एंड दैट इज कॉल्ड टू द वी इज वर्टेक्स। इट इज एक्सल, इट इज कॉल्ड टू द वर्टेक्स एंड दैट इज कॉल्ड टू द जनरेटर। द वर्टेक्स कट, द वर्टेक्स कट टू टीव राइट सर्कुलर कोन इन टू फेसेस। फर्स्ट द अपर इज अपर मैप, इज अपर मैप, अपर नैप, दैट इज कॉल्ड टू द अपर नेप। ये दैट इज कॉल्ड टू द लोअर नेप, लोअर नेप। अगर मान लिया ये एक्सेस हो, क्या है ये एक्सेस है, ये मान लिया कोई लाइन है, मान लिया एक्सेस, ये कोई लाइन है, ये क्या है? कोई लाइन है। क्या है? मान लिया कोई लाइन है ये, और इसका ये जनरेटर है। ये क्या है? ये तो लाइन है, ये क्या है? ये जनरेटर है। ये तो ये वी है वर्टेक्स, ये एम है, ये एल है, तो इसके पीछे जो एंगल है थीटा है। एंगल क्या है इसका? ये थीटा है। अगर ये कौन है कोई, अगर क्या है ये, ये कोई कौन है ये, इसको जो वी वर्टेक्स है ये, इसको एक कोई प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे क्या कर रहा है? ये कोई प्लेन जो है, क्या है? एक प्लेन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक प्लेन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह। ये कोई प्लेन है,
ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन ए राइट सर्कुलर कोन इंटरसेक्ट दिस विल बी टू द पैराबोला और हाइपरबोला इफ इट्स प्लेन इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इट्स इंटरसेक्ट इफ एन इंटरसेक्ट दैट इज एंगल इज बीटा दैट इज एंगल इज बीटा दैट इज मीन्स एंगल मीन इज बीटा दैट इज एंगल मीन्स बीटा एंड दैट इज ए प्लेन इट्स कट इज आर एंगल इज बीटा एंड इट इज कट इज एल्फा इफ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन फॉर कटिंग एल्फा एंड बीटा वी हैव फॉर्म द पैराबोला सर्कल इलिप्स एंड हाइपरबोला फॉर दिस सर्कल मीन्स बीटा इज इक्वल टू 90 ए प्लेन इज कट द सर्कुलर कोन द वर्टेक्स इज 90 degrees इट इज कॉर्ड टू द बीटा फॉर इलिप्स अल्फा इज लेस देन बीटा फॉर इलिप्स अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 अल्फा इज लेस देन बीटा टू 90 फॉर पैराबोला क्या है बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड हाइपरबोला मीन्स अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज लेस देन बीटा zero is less than beta is less than alpha that is called to the conisection if we have a double cone right circular it is if a plane cuts at such that if angle is alpha of a line of vertex of a line of axis and this angle is alpha if alpha and beta is equal to 90 then the conic section formed in the circle form if alpha is less than beta less than 90 then the ellipse if alpha and angle beta is called if alpha and beta then is parabola if beta is greater than 0 and less than 0 then that is called to the hyperbola तो ये जो है यानी किसी भी डबल राइट सर्कुलर कोन किसी भी जो है डबल राइट सर्कुलर कोन को प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है अगर इसकी एंगल पता है दैट इज वी हैव दिस कोनिक सेक्शन वी हैव नो दैट द सर्किल द जनरेशन ऑफ दिस सर्किल इलिप्स पैराबोला एंड और हाइपरबोला नाउ अब अब है कॉनिक सेक्शन एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट कॉनिक सेक्शन एज ए लोकस एज अ लोकस एट अ पॉइंट
कोनिक सेक्शन एट ए लोकस एट ए पॉइंट, कोनिक सेक्शन एट ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। जैसे द लोकस क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन ऑफ ए प्लेन इज द रेशियो ऑफ इज द रेशियो ऑफ फिफ्थ पॉइंट एज द रेशियो ऑफ फिफ्थ पॉइंट एज द रेशियो ऑफ फिफ्थ डिस्टेंस एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिफ्थ पॉइंट एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिफ्थ पॉइंट डिस्टेंस एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ पॉइंट एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिफ्थ पॉइंट एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिफ्थ एज ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिफ्थ पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्टे लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्टे लाइन द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए प्लेन इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू बी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द ये रेशियो है द रेशियो ऑफ द ये किस किस की रेशियो है मान लिया ये एक कोई ये है एक तो यहां है ये रेशियो ये एक यहां है ये एक यहां है एक इसकी डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ P है ये A कोमा P है ये अक्षर है यहाँ S है ये M है इसका नाम क्या है डायरेक्ट्रिक्स इसका नाम क्या है डायरेक्ट्रिक्स इसका नाम क्या है डायरेक्ट्रिक्स है इसका नाम ये क्या है ये हाइपरबोला है ये पैराबोला है ये एलिप्स है ये एलिप्स है ये कोई लाइन है इस लाइन की क्या है एंगल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो
ये कोई लाइन है, ये एल, ये कोई लाइन है, ये मान लिया ये सी एफ, ये कोई यहाँ ये पॉइंट है अलग अलग, ये क्या है ये पॉइंट है। अगर पी एस अपॉन पी एम आ जाएगा, क्या है पी एस अपॉन अगर मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक के ये एम है, ये इसके लिए एम है, ये यहाँ आ जाए, इसके लिए एम यहाँ आ जाए, इसके लिए एम यहाँ आ जाए, इसके लिए एम यहाँ आ जाए, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है। दैट इज कॉल्ड सच दैट, दैट इज कॉल्ड टू द, ये क्या कहलाता है, पैराबोला, हाइपरबोला और एक्लिप्स। हाइपरबोला ये क्या आएगा, पैराबोला और इक्लिप्स, दैट इज इफ इफ एनी पॉइंट डिस्टेंस द फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट पी एस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ एम इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेट दिस इज ए नंबर इज ई, तो पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, पी एस एम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ इसेंट्रिसिटी ई, इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी, क्या कहते हैं इसेंट्रिसिटी सिटी ऑफ कोनी, द सेंट्रिसिटी ऑफ कोनी। देखो भाई, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है, उससे ये क्या है, ये क्या फोकस है, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द फोकस, दैट इज कॉल्ड द एक फोकस है, दैट दैट इज आर वी हैव ए फोकस एम पी द पॉइंट मूव दैट इट इज पी एस पी एस अपॉन पी एम एंड इट इज द लाइन, ए लाइन दैट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स, इट इज कॉल्ड द ये दे ये डायरेक्ट्रिक्स, क्या है इसकी जो है डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन क्या है एलएक्स प्लस एम वाई एन है, इनकी जो रेशियो है पी एस अपॉन पी एम द रेशियो ऑफ द फिक्स पॉइंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसकी ये पी एस अपॉन पी एम की रेशियो क्या होती है, ई होती है, ई कहलाते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनी, पी एस इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू ई, इफ इज कॉल्ड टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनी सेक्शन, इफ if in it, that is we have ps is equal to epm, ps is equal to epm, if e is equal to 1, if e is equal to 1, if e is equal to 1, that we have ps is equal to p, it means ps is equal to means it is meant the parabola, it is means it is called to the parabola, it means is that parabola, para if if 0 is e 1 to 1 then is ps less than pm, that is if ps is equal to epm, if e is equal to 1 that is called a parabola, if e is less than 1, if e is less than 1 PS less than PM, PS less than PM, then it means is ellipse, then it means is ellipse. If E is greater than 1, if E is greater than 1, if E is greater than 1, then PS is greater than PM, that is called to the hyperbola. द
the figure of this, depending upon we have the characteristic value, we have the characteristic property for this curve. If any, if e is equal to 1, then e means eccentricity. If e means the ratio of ps upon pm, so we can say that e is eccentricity. If e is equal to 1, that is ps is equal to pm, then figure is the conic section is parabola. If ps is ps less than pm, if j e is 0 to 1 and e ki value kya hai 0 to 1 hai, then ps less than pm, that is called the ellipse. If e is greater than 1, then ps is greater than pm. If e is greater than 1, then we have ps greater than pm, that is called the hyperbola. ठीक है, आगे इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन क्या होगा? ये मान ले ये कॉइन जो है, लाइन ये है, ये साफ ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, और ये जो पॉइंट है एफ, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स एफ एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई, पी एफ इक्वल टू पी एम, फिर ये एफ यहाँ आ गया, ये पी एफ इक्वल टू पी एम, ये अगर मान लिया इसके कोई जो है कोऑर्डिनेट, सॉरी मैंने गलती कर दिया, चेंज कर लेना भाई, ये एफ था ये पी। अगर मान लिया ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, अभी मैं बता, पी एफ इक्वल टू पी एम, पी एफ इक्वल टू PM, PS is equal to EPM, क्या होती है PS is equal to EPM, PS, PS का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इज फर्स्ट इज एक्स वाई एंड सेकेंड इज ए बी, दैन दैट डिस्टेंस इज, दैट डिस्टेंस का फॉर्म में क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, क्या आ गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, डिस्टेंस इज अंडर रूट एंड पी एम, पी एम द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी ऑन द, ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन, लाइन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई, इट इज कॉल्ड टू द पी एम, इट इज कॉल्ड टू द पी एम, वी हैव दैट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एल का स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, और ये ई है यहाँ, तो क्या आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ, कोई मान लेगा कॉल करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स, इधर से एल एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लूँगा, फिर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वन प्लस एल स्क्वायर, दिस इज मीन इन दिस वी हैव फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2gx, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, प्लस c इज इक्वल टू जीरो,
ये इस तरह की फॉर्म में जनरल इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ टू जी एक्स, इट इज द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। इस तरह की ये इक्वेशन कोई भी हम किसी की भी निकाल सकते हैं, कब, अगर जो है कि कोई फोकस है और पी पॉइंट से जो है इन दोनों की डिस्टेंस हमेशा इसके इक्वल पे पी एफ इक्वल टू ई पी एम, बहुत क्वेश्चन करेंगे इसको, ठीक है, इसके बेस पे। अब आगे है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, अब इसकी जो है एक मान लिया पैराबोला है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू फोर एक्स, आती कहाँ से आई हो, अभी हुआ है पी एस इक्वल टू पी एम फॉर पैराबोला, फॉर नहीं पैराबोला के क्या किसी भी फिक्स कंडीशन की क्या होती है पी एस इक्वल टू ई पी एम, पी एस इक्वल टू ई पी एस क्या जाता है यहाँ से पी के मान लिया पॉइंट है कि एक्स वाई जीरो है, मान लिया इसके जो फोकस है ए कोमा जीरो है, क्या आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज डायरेक्ट एक्स इक्वल टू माइनस ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, क्या आएगा एक्स प्लस ए
क्या गई हिम्मत ई एक्स प्लस ए अपॉन वन का स्क्वायर, फोर पैरा बोला फोर ई इक्वल टू वन, तो क्या आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स प्लस ए, एक वैल्यू आ गई, क्या आ गई है एक्स का स्क्वायर, ये डिस्टेंस ये रूट में आ जाएगी है, जब का स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर खोल देते, क्या आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस का वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये आ गई इक्वेशन इक्वल टू क्या आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, क्या आ गई है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स आ गई। इफ वाई स्क्वायर जीरो फॉर दिस, इफ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो देन फोर ए एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, इफ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो फोर ए एक्स वी जीरो फोर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फोर एक्स बी ग्रेटर देन जीरो एज ए इज ग्रेटर देन जीरो, द दिस पैराबोला इज लाइज ऑन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इट मीन्स दैट इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाई इक्वल टू फोर बी ग्रेटर देन जीरो देन फोर एक्स विल बी जीरो एक्स इज ग्रेटर टू जीरो फोर एन एक्स इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इस कंडीशन के लिए ये हो जाएगा इफ वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स। अच्छा अब वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई मीन्स इक्वल टू प्लस माइनस टू ए एक्स, क्या आ गया वाई वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू ए एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू ए एक्स, इट मीन्स वी हैव, अच्छा ये 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 यहीं पढ़ लो इसको, ये इट मीन्स वाई इक्वल टू प्लस रूट फोर ए एक्स इज एंड वाई इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, इट मीन्स प्लस फोर ए एक्स रिप्रेजेंट द अबाउ द एक्स एक्सर अबाउ द एक्स एक्सर अबाउ द एक्स एक्सर इट मीन्स शो टू द वाई इक्वल टू प्लस फोर रूट ए एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस रूट ए एक्स इज शो टू द बिलो टू द एक्स एक्सर, दैट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स और दैट इज वर्टेक्स, इट मीन्स वर्टेक्स इन दिस फिगर वी हैव टू द वर्टेक्स, वी हैव टू द वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स कोऑर्डिनेट इज जीरो जीरो, वर्टेक्स इज जीरो जीरो, दैन एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स इट इज द प्रबल इट इज दिस पैराबोला इट इज लाइन टू द एक्स एक्सर हैंस एक्सेस ऑफ द पैराबोला एक्सेस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू जीरो, एक्सेस ऑफ पैराबोला इक्वल टू क्या आ गया y इक्वल टू जीरो, अच्छा टेंजेंट टेंजेंट एट y एक्सेस y एक्सेस y एक्सेस पर टेंजेंट क्या आ जाएगी x इक्वल टू जीरो, टेंजेंट एट y एक्सेस टेंजेंट एट y एक्सेस इक्वल टू जीरो, अच्छा फॉर दिस एंड पॉइंट ऑफ द लेट एंड पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या आ जाएगा एंड एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम
एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम ए टू ए क्या आएगा, ए टू ए क्या आएगा, ए टू ए, ए माइनस टू ए क्या आएगा, ए टू ए एंड ए माइनस टू ए। द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर रेक्टम इज ए टू ए, ए लेटर रेक्टम द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द लेटर रेक्टम ऑफ द कोनिक सेक्शन। द एंड पॉइंट ऑफ द, ये गलत होता, द एंड पॉइंट ऑफ द, ये द एंड पॉइंट द, ये है लेटर रेक्टम, ये द एंड पॉइंट, द एंड पॉइंट ऑफ द कोनिक सेक्शन विच पास टू द फोकस इज पॉइंट इज कॉल्ड टू द लेटर रेक्टम। लेटर रेक्टम मीन्स द एंड पॉइंट, लेटर रेक्टम मीन्स लेट द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड टू द लेटर रेक्टम, द डबल ऑर्डिनेट पॉइंट, द डबल ऑर्डिनेट पॉइंट इज कॉल्ड टू द लेटर रेक्टम विच पास टू देयर फोकस, विच इज पास टू देयर फोकस इज कॉल्ड टू द लेटर रेक्टम। डबल ऑर्डिनेट क्या है, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस टर्मिनेटेड ऑफ बोथ एंड ऑफ द कर्व इज कॉल्ड टू द डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड द लेटर रेक्टम द एंड पॉइंट ऑफ द विच पास टू द डबल ऑर्डिनेट इज कॉल्ड टू द जो है लेटर रेक्टम, लेटर रेक्टम ऑर्डिनेट इज ए टू ए एंड ए माइनस टू ए। फोकल डिस्टेंस, यह कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम ए फोकस, डिस्टेंस पी एफ यानी पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान ले एन पॉइंट है, अब मान लीजिए इस पॉइंट से मुझे यहाँ पी एफ की वैल्यू निकाले या फोकल रेडियस निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है इसको, फिक्स डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम एस या फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडियस एस पी, तो क्या आएगा पी एस इक्वल टू पी एम, फोर सेकंड, पी एस इक्वल टू पी एम, पी एम की वैल्यू क्या होती है भैया, पी एन प्लस एम एन, क्या होती है पी एस इक्वल टू पी एम, तो पी एम इक्वल टू क्या आएगा पी एन प्लस एम एन, पी एम, पी एन, पी एन मीन्स ए एंड पी एम क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा पी एन प्लस एन एम, पी एन, पी एन मीन्स एक्स प्लस एम एन ए, तो पी एस इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये आ गई, ये क्या आ गई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स, ये आ गया फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडियस, पी एस इक्वल टू पी एम इक्वल टू क्या आ गया एक्स प्लस ए, क्या आ गया ये एक्स प्लस ए आ जाएगा। देखो भाई एक है लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द लेटर रेक्टम, क्या है लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द लेटर रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटर रेक्टम क्या आएगा टू मल्टीप्लाई ई प्लस मल्टीप्लाई पी एम, क्या आएगा टू मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई पी एम, क्या आएगा टू मल्टीप्लाई ई
मल्टीप्लाई PM, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द PM, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम रिटर्न टू मल्टीप्लाई E मल्टीप्लाई बाई PM फॉर ऑल कॉनिक सेक्शन, फॉर ऑल कॉनिक सेक्शन। देखो भाई, इफ इन दिस फिगर दैट इज ओपन फिगर यह इट इज कॉल्ड टू द पैराबोला, इट इज इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इट इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज वी हैव द वर्टेक्स इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, देन 4x इज इक्वल टू 0 होगा, तब क्या क्या वी कैन से x विल बी 0 फॉर a इज ग्रेटर देन 0। ये y की वैल्यू इसे ये दो हो गई, अगर प्लस रूट ए एक्स है दैट इज द बिलो अबाउट टू द x एक्सिस, y इक्वल टू माइनस रूट x बिलो द रूट। फॉर द पैराबोला वी हैव ई सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ई। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये वह है वर्टेक्स ए 0 0 है, इसमें एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई इक्वल टू 0, टेंजेंट ये आ गई, एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या आ गए ए टू ए ए माइनस टू ए, ये आ गई ए टू ए माइनस टू ए। ये एंड लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम पी एस क्या लेंथ ऑफ द रेक्टम टू मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई पी ए, इस तरह की जो है ये फिगर है, इस तरह के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अदर स्टैंडर्ड ऑफ अदर स्टैंडर्ड ऑफ पैराबोला फॉर्म इज y square, it means is x square is equal to minus x square is equal to 4 it means y square is equal to minus 4 a x, and it is sent in a comma 0, and it is directed x is equal to a x into directrix x is equal to a x is equal to a, length of the lattice rectum is l is equal to a comma 0, क्या है l comma a comma 0, यहाँ l है a comma 0 थी, इसमें माइनस a comma 0 जाएगी इसमें, ठीक ही है। क्या जाएगा ये माइनस ए टू ए, इसमें क्या जाएगा ये माइनस ए टू ए, दैट इज वी हैव इफ इट मीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर कहेंगे वाई इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ से वाई इक्वल टू माइनस 4ax, वाई इक्वल टू माइनस 4ax, इट मीन्स अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस एंड इज अबव द बिलो टू द एक्स एक्सिस। Similarly, that is mean is x square is equal to 4a. If such that figure is x is equal to 4ay, x is equal to 4ay. If we have this figure, it is means x square is equal to minus 4ay. It is directed here, y. That means x square is equal to 4y, x square is minus 4ay. Two parabola are called the same parabola if we have the length of the lateral rectum is same, yeah, equal.
टू पैराबोला क्या है, टू पैराबोला आर टू द इक्वल पैराबोला इफ हैव सेम लेंथ लेटेस्ट रेक्टम, सेम हैव लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम हैव सेम लेंथ इज क्वाड द इफ द लेटेस्ट रेक्टम हैव सेम लेंथ देन टू पैराबोला और कॉल टू द सेम पैराबोला। क्वेश्चन है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस एट थ्री जीरो एंड डायरेक्ट्रिक्स इज वाई इक्वल टू थ्री एंड डायरेक्ट्रिक्स इज वाई इक्वल टू माइनस थ्री, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू थ्री। सेकेंड है हैविंग एंड हैविंग एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइव टेन एंड फाइव माइनस टेन, एंड विच ओपन टूवर्ड्स राइट, which having ends of lattice rectum five ten five minus ten which open towards right, having vertex at origin and focus is zero answer is है पहले जो है x is इनकी जो फोकस है ये एफ इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो तीन है एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है वाई इज इक्वल टू तीन है। तो इट इज द ओपन, इट मीन दैट डायरेक्ट्रिक्स इज वाई इज इक्वल टू प्लस तीन, इट इज द ओपन इन टू द राइट, ओपन इन टू द राइट मीन्स दैट द पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड्स, इज ओपन डाउनवर्ड्स, क्योंकि देखो इधर क्या आ जाएगा ऊपर तो जो है ऊपर क्या आ जाएगी माइनस वो आ जाएगी है, डायरेक्ट नीचे होगी तो डायरेक्ट कहाँ जाएगी ऊपर है, ऊपर है इस तरह का ये यही यहाँ होगी ना, ये होगी वाई इक्वल टू थ्री, यहाँ ये इस तरह की चीज, इट मीन्स दैट इट डायरेक्ट मीन्स वाई इक्वल टू थ्री फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है वर्टेक्स, क्या ओरिजिन इसका वर्टेक्स है एंड पैराबोला ओपन टू द डाउनवर्ड, इफ वी हैव फॉर दिस फिगर वी हैव इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए
4 is y. x स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस है, ये माइनस है ना, नीचे ही आएगा माइनस ये, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, 4ay मीन्स a मीन्स कितने आ गया माइनस के 13, माइनस के a इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि इसके इसके जहाँ जो है ये वो ये होंगे इसके a 0, -a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 4 इंटू 3 इंटू वाई, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 12y, अब सेकंड में क्या है इसका, ये इसके लेटर रेक्टम के वो दे रखे हैं पॉइंट, लेटर रेक्टम के क्या पॉइंट दे रखे हैं 5, 10 और क्या दे रखे हैं 5, -10, लेटर रेक्टम के क्या दे रखे हैं 5, 10 माइनस के 5, 10, ये एल है ये एल डैश है, तो इसके जो है जो इसके मिड पॉइंट पे क्या होता है फोकस होता है, क्या होता है इसके मिड पॉइंट पे क्या होता है फोकस होता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम, फोकस इज द मिड पॉइंट, फोकस क्या होता है फोकस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं x1+x2 y1 5 × 0, इट मींस फोकस इज 5 0, इफ मींस फोकस इज क्या आ गया 5 0 हो गया, 5 0 हो गया कहाँ जा गया ओपन टूवर्ड्स द राइट, ओपन टूवर्ड्स द राइट, ओपन टूवर्ड्स द राइट क्या हो गया, अगर ये हो क्या हो गया ओपन टूवर्ड्स द राइट, और उसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0 0, तो वो क्या आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू 5 × 0, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या 25x, a की वैल्यू क्या आ गई 5 × 0, ये हो गया y, y इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 20x आ जाएगा। अब सिमिलरली अब क्या क्वेश्चन है, हैविंग ए वर्टेक्स ओरिजिन एंड फोकस इज 0 2, एंड द तो 0 2 है तो क्या आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, अगर इसकी 0 2 है तो क्या आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ जाएगी इसकी, थर्ड की डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ जाएगी वाई इज इक्वल टू -2 डिवाइड इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, दैट इज मींस द कंसीडर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और a इक्वल टू क्या गया 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक है भाई आगे बढ़े। क्या है भैया, एन आर्क
an arc is in the form of a parabola with its axis an arc is an parabola within its axis vertical the arc is the arc is 12 centimeter high the arc is 12 centimeter high and the arc is 12 centimeter 6 centimeter width and 6 centimeter wide on the base and 6 cm wide on the base. How wide is 6 cm from the vertex 6 meter from the vertex How wide is the 6 meter from the vertex of the parabola? An arc is in a parabola within which is axis vertical the arc is 20 cm high and 6 meter wide on the base how wide is 6 meter from the vertex of the parabola 6 cm kitna chota hoga dekho ye ek parabola hai एक पहला बोला है मान ले ये जो है 12 मीटर हाइट है यहां से यहां तक की मान लिया यहां से यहां तक की है 12 मीटर हाइट है यहां से यहां तक की है 12 मीटर हाइट है और यहाँ से जब ये 12 मीटर हाइट है तो विड्थ कितनी है इसकी 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी 3 है 3 है तो इस पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे 3 इंटू 12 आ गए और इस फॉर्म में इसमें इक्वेशन में क्या लिखी हो इसकी इस फॉर्म में क्या लिखी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इन दिस फॉर्म द वी बता दें पैराबोला की फॉर्म के आगे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay x की वैल्यू क्या लिख देंगे 3 और 4 की 4 a की वैल्यू a y की वैल्यू 12 9 इक्वल टू 3/16 ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/16 आ गई देयरफॉर पैराबोला की वैल्यू क्या आ गई ए की वैल्यू यहां रखे 3/16 में x2 = 4ay x2 = 4ay
फोर ए, ए की वैल्यू 3/16 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3/4y, ये आ गया पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5। अब ये कह रहा है व्हेन वाई इज इक्वल टू 6, जब व्हेन जब 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, व्हेन द हाउ विड कितनी छोटी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स इज द हाइट, अगर अगर इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है, व्हेन दी अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक मान लिया ये है ये सही है, यहाँ से यहाँ तक यही है ये तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये पूछा है कितनी होगी, ये कितनी होगी। अच्छा जब यहाँ से यहाँ तक की है वैन, लिखेंगे वैन हाइट इज y इज इक्वल टू 6 एंड हाइट इज वैन हाइट इज y इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ 6 रख दूंगा, y इक्वल टू क्या रख दूंगा 6 रख दूंगा, क्या जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 6, एक्स स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें रखूँ कि मैं रखूँगा ये 3/4y। x इक्वल टू रूट 3/2, x इक्वल टू क्या है रूट 3/2। x इक्वल टू ये 3/√2 ये रहा और 3/√2 ये रहा, तो टोटल विद कितनी आ जाएगी, विद कितनी आ जाएगी इसकी, विद कितनी आ जाएगी 3/√2 प्लस 3/√2 6/√2 इसे क्या कर लिया 2√2 मल्टीप्लाई रूट टू मल्टीप्लाई 3/√2 रूट टू से रूट टू गया इक्वल टू 3√2, इसकी विड्थ कितनी आ गई है 3√2, ये कितनी आ गई 6 कितनी आ गई है 3√2 कितनी आ गई 3√2 मीटर, कितनी आ गई थी 3√2। आ गई यानी कि इसके अभी कोऑर्डिनेट आएंगे 3/4 देखो भाई एक इक्वेशन है ये, एक मान लिया है यह एक पैराबोला है, इसकी हाइट कितनी है 12 है और इसकी विड्थ कितनी दे रखी है 6 है, तो यहाँ तक आपको 6 हो गई इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर 4ay में एक्स और वाई की वैल्यू रखी इक्वेशन निकाल ली। अब ये कह रहा है कि हाइट इसकी अगर कितनी है 6 हो तो इसकी विड्थ कितनी हुई है, तो एक्स इक्वल ये वाई इक्वल टू 6 रखिए इसकी सॉल्यूशन के लिए एक्स इक्वल टू 3√2 ये इसकी विड्थ हो जाएगी और फिर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वैसे 3/√2√6। भाई बात सुनो भाई आगे बढ़े,
आगे क्या है? A beam is suspended at the ends by the two supports. A beam is suspended. A beam is suspended. A beam is suspended at its end by two supports. A beam is suspended at its end by two supports which are 12 meters apart. Since the load is concentrated at its center, that is its center. There is a deflection of 3 cm. And the deflected beam is the shape of parabola. How far from the center is the deflection is one centimeter. A beam is suspended at the end point to the supported which are in 12 cm apart since the load is here. ये ए बी है, ये जो है 12 cm है. अब क्या करा, which are apart since the load is concentrated, at its center, that is the deflection of 3 cm at its center. Center से 3 cm का deflection आ गया. अभी कह रहा कि अगर इसमें 1 cm डिफ्रैक्शन होगा, कितनी दूर होगा ये? अगर कितने कह रहा है इसमें जो है 1 cm डिफ्रैक्शन होगा, हाउ फार फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ डिफ्रैक्शन इज 1 cm. मान ली यहाँ है डिफ्रैक्शन 1 cm, ठीक
यहाँ से यहाँ तक के क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ये सारी जो है 12 मीटर में है, इक्वल टू ये 3 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर आ गया, 1/100 मीटर आ गया। तो इसकी जो है इसकी फिगर क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4ay। इसपे जो पॉइंट हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, किससे पास होके जाएगा ये, देखो ये कितने जाएगी यहाँ से के 3, ये कितने जाएगी 3, कितने जाएगी वो 3 आएगी, और ये कितनी जाएगी 6, ये कितनी जाएगी, इसकी हाफ कितनी आई है सारी 6, ये कितनी आई है पॉइंट हो जाएंगे, तो 6/300 इट्स पास 3/100। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई है 6, और ये 3 6 मीटर हो गए, आधी हो गई यहाँ से यहाँ तक के ये, और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर आ गए, तो 3/100 इट्स पास टू द सिटी है। एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा 6, और वाई की वैल्यू क्या रख दूंगा 3/100 रख दूंगा, तो क्या आ गया एक्स इक्वल टू 30 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 300, ए इक्वल टू कितना आ गया 300 आ गया। अब पूछा कितना डिफ्लेक्शन होगा इस पे, कितना डिफ्लेक्शन होगा कि अब इस पर क्या है x इक्वल टू क्या है 4ay, x स्क्वायर क्या है 4ay। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं यहाँ 4×3×100। इस पर पूछा यहाँ इस पे 1 मीटर पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, 1 मीटर पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, मान लिया यहाँ जो है ये हो गया मान लिया x/2/100 डिफ्लेक्शन, यहाँ कितना होगा डिफ्लेक्शन x/200। मान लिया ये तो पता नहीं है कि यहाँ कितना होगा x, ये लेकिन y पता है, y सारा 3 था, ये कितना जाएगा 1, तो x/2/100 इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जो है x रख दूंगा 4×300×y, y की वैल्यू कितनी रख दूंगा 2/100, 300 से 100 जाएगा, 4×3×12×12×24 2√6, तो डिफ्लेक्शन हो गया x=2√6, x=2 क्या आ गया 2√6। देखो भाई एक बीम थी कह कि इसमें लोड रखे तो 3 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है, अगर इसको यह 1 सेंटीमीटर है तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, मान लें यहाँ इस पर ये निकाल कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे x/2/100, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है मीटर बनाने के लिए, ये मीटर में दे रखी है, तो इक्वेशन अगर ये ऊपर नीचे खुली है तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा x²=4 है, इट इज़ शो द इक्वेशन ऑफ द अपवर्ड्स ओपन दैट इज इक्वेशन x=4ay।
एक्स इक्वल टू फोर ए वाई, तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या देंगे 6 कोमा 300, क्या लगेगा एक्स सिक्स 6.3 इट इज पास टू द पैराबोला, पास टू द इतने जब इससे पास होके जा रहा तो इसकी वैल्यू रख दूंगा यहाँ से ए की वैल्यू आ गई या आगे इक्वेशन, और फिर इस पॉइंट पे निकाल लेंगे कितनी विड्थ है यहाँ, कितना वो है रिफ्लेक्शन है, तो इसके इससे पास होके जाएगा वो किससे एक्स कोमा 2/100 से भी पास होके जाएगा, इस बार भी इसकी वैल्यू रख देंगे दैट इज ये आ जाएगी एक्स इक्वल टू 2√6 आ जाएगी, तो इसकी विड्थ आ जाएगी एक्स इक्वल टू 2√6। ये घर से बैठ के करना है थे क्वेश्चन को, नहीं आता तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर्ड इन द पैराबोला, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर्ड इन द इन स्क्वायर्ड इन द इन इन इंस्क्राइब इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax सच दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax सच दैट वन वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल वन वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल कोइंसाइड विद द वर्टेक्स coincide with the vertex of the parabola then find that the length of this triangle find the length of this triangle, इस ट्राइंगल की लेंथ निकालनी है, क्या है एन इक्वेटेड ट्राइंगल इज अ स्क्वायर ऑफ पैराबोला वाई इक्वल टू सच दैट वन वर्टेक्स ऑफ दी द ट्राइंगल कोइंसाइड टू द वर्टेक्स इफ द पैराबोला ऑफ द देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ये क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं आए तो कल सोल्व करेंगे, ठीक है आज के नई, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।